हेलो फ्रेंड्स, आज हम जुपिटर के विभिन्न चंद्रमाओं या उपग्रहों की बात करेंगे। जुपिटर के कुल 79 मून हैं, जिनमें से 53 के ऑफिशियल नेम हैं, वहीं 26 के कोई भी ऑफिशियल नेम नहीं है। इन सब में भी चार प्रमुख और बड़े उपग्रह हैं, जिनका नाम गैनीमीड। यह अंतरिक्ष का सबसे बड़ा उपग्रह है। वहीं सेकंड है कैलिस्टो, थर्ड है आयो और फोर्थ है यूरोपा। इन चारों में से भी आज हम आयो उपग्रह की बात करेंगे। आयो चंद्रमा की खोज 8 जनवरी 1610 को गैलीलियो गैलीली ने की थी। इनके द्वारा खोजा गया यह बृहस्पति का पहला उपग्रह था। आकार और दूरी, यह पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा बड़ा है। इसकी त्रिज्या 1131 मील है। यह जुपिटर का तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह है तथा बृहस्पति से दूरी के मामले में यह पांचवा ग्रह है। जुपिटर से आयु चंद्रमा की दूरी 4,22,000 किलोमीटर है। वहीं कक्षा एवं घूघरण की बात करें तो इसकी कक्षा अंडाकार है, अर्थात यह बृहस्पति का चक्कर अंडाकार मार्ग से होते हुए करता है। आयो को जुपिटर की परिक्रमा करने में 1.77 पृथ्वी दिन लगते हैं। आयो उपग्रह टिडली लॉक है, अर्थात इसका एक पक्ष ही हम बृहस्पति से देख सकते हैं। वहीं तापमान की अगर बात करें तो आयो की सतह का औसतन तापमान -130 डिग्री सेल्सियस होने के कारण सल्फर डाइऑक्साइड स्नोफील्ड बनते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में ज्वालामुखी होने के कारण इसका टेम्परेचर 1649 सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इसीलिए इसे आग एवं बर्फ का गोला कहा जाता है। आयो चंद्र की प्रकृति, बृहस्पति का यह एकमात्र चट्टानी चंद्रमा है जिसमें सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यह ज्वालामुखी इतनी अधिक मात्रा में क्यों पाए जाते हैं, इसका साइंटिफिक रीजन जानिए। आयो उपग्रह बृहस्पति, गैनीमीड, यूरोपा, इनके बीच में स्थित है, इसीलिए बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण इसे अपनी ओर खींचता है। वहीं दूसरी ओर गैनीमीड एवं यूरोपा का गुरुत्वाकर्षण इसे अपनी ओर खींचता है। इसी हलचल के कारण यहाँ अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं और इन्हीं सब कारणों से यहाँ पर स्थलीय ज्वार आते हैं, जो कि 330 फीट तक ऊँचे होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि पृथ्वी पर केवल 60 मीटर ऊंचे ज्वार आते हैं, जो कि जलीय ज्वार होते हैं। जब आयो बृहस्पति के चक्कर लगाता है तो वह बृहस्पति की चुंबकीय रेखाओं को काट देता है और इन्हीं चुंबकीय रेखाओं के प्रभाव के कारण आयो एक विद्युत जनरेटर में बदल जाता है और 4,00,000 वोल्ट बिजली विकसित कर देता है और 3 मिलियन एम्पियर का विद्युत प्रवाह बना देता है। वहीं वातावरण की अगर बात करें तो आयो पर एक पतला वातावरण पाया जाता है, जिसका प्राथमिक घटक SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड है। आयो चंद्रमा पर पानी बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। वहीं गैलीलियन अंतरिक्ष यान से यह संकेत मिलता है कि इसके कोर पर लोह तत्व की अधिक मात्रा है, इसलिए यह चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि अगली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत।